नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सेंचुरी घुमाने ले चल रहे हैं। ये सिक्किम में स्थित है और इसका नाम है बरसे रोडोडेंड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलते हैं इस सेंचुरी को देखने के लिए। इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा बाई फ्लाइट बागडोगरा एयरपोर्ट तक, और वहाँ से फिर हम जाएंगे बाई रोड गैंगटोक। और ये जो सेंचुरी है ये नामची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ से आगे भी हम बाय रोड ही जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। बागडोगरा को पीछे छोड़ अब हम गैंगटोक की ओर बढ़ गए हैं, और ये हमारे साथ साथ चल रही है तिस्ता नदी। हम गैंगटोक शहर में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि बाहर की रोड से ही आगे नामची की तरफ बढ़ जाएंगे। ये पूरा ही मार्ग बहुत ही खूबसूरत है, जगह जगह पर बौद्ध पताके हमें रिहायशी इलाके का एहसास भी करा रहे हैं। अब हमें दूर से नामची शहर दिखने लगा है, लेकिन हम शहर में प्रवेश न करके सेंचुरी की ओर जा रहे हैं। ये सेंचुरी का मुख्य द्वार है। वैसे तो सिक्किम में सभी जगह से कंचनजंगा की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ सेंचुरी से हम जल्दी सुबह पहुँच गए, और यहाँ से जो कंचनजंगा की पहाड़ियाँ हैं ये अर्ली इन द मॉर्निंग जो बिल्कुल रेड ऑरेंज पहाड़ियाँ होती हैं, जो सूर्य की जब पहली रोशनी पड़ती है तो वो जो दिखती हैं वो यहाँ से हमें दिखाई दे रही हैं। ये सेंचुरी का प्रवेश स्थल है, यहाँ से पास लेके आप भीतर जा सकते हैं। इसके अंदर ही एक रेस्ट हाउस भी है। दोस्तों, बरसे जो है ये महत्वपूर्ण कॉरिडोर का काम कर रही है। ये नॉर्थ में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व और साउथ में शिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो वेस्ट बंगाल में है, उन दोनों के बीच से होके गुजर रही है, तो इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सेंचुरी के वॉकिंग ट्रेल पर वॉक करते टाइम आपको अनेकों तरह के वाइल्ड फ्लावर्स और तरह तरह की बर्ड्स दिख जाएंगी। इसके अलावा एक और विशेषता है कि यहाँ पे 12 तरह के रोडोडेंड्रॉन पाए जाते हैं, और कुछ विशेष प्रकार के औषधीय प्लांट्स भी यहाँ पाए जाते हैं। जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा पहाड़ों की लालिमा गायब हो गई। यहाँ शायद कुछ उच्च अधिकारियों की मीटिंग चल रही है। बरसे रोडोडेंड्रॉन सेंचुरी को 1996 में सेंचुरी घोषित किया गया। विशेष बात यह है कि इसके आसपास के जो गांव हैं उसके पानी का मुख्य स्रोत ये है। जंगल के इस पानी को इन पाइपों के द्वारा गांव में पहुंचाया जाता है। यहाँ 8000 से ऊपर की पहाड़ियों पर सिल्वर फर्न मिलते हैं, और नीचे की पहाड़ियों पर चौड़ी पत्ती वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। बरसे सेंचुरी में पाए जाने वाले जो मुख्य वन्य जीव हैं उसमें से है रेड पांडा, ब्लैक बियर और क्लाउडेड लेपर्ड।
दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही हम आपको किसी और खूबसूरत स्थान पर ले चलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।